एपिसोड शुरू होता है और स्वॉट सेंट कहते हैं, स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ वे ऑफ हेवन की पावर मिक्स। क्या वो सुन रहा होंगे? नहीं, ये उस दिन से भी ज़्यादा पावरफुल था। चेन्नन शॉन कहता है, ब्रदर तुम काफ़ी बूढ़े हो गए हो, तुम उस लड़की को नहीं बचा सकते। मैंने सिर्फ 10% वे ऑफ हेवन शो करा था अपने स्पिरिचुअल प्रेशर में, और तुम्हारी तो हालत ही ख़राब हो गई। तुम्हें और सून फैमिली के ग्रैंड डॉटर को मार के सिर्फ मैं ही बचूंगा इन्फिनिट स्वॉर्ड फैक्शन का सक्सेसर। और यहाँ पर चैन चाओ कह रहा होता है, वाओ शो स्टार्ट होने वाला है। गुआओ कहता है, लेकिन हम काफ़ी दूर हैं, उन दोनों एक्टर्स का चेहरा भी नहीं दिख रहा। इन्हें लग रहा होता है कि ये शो चल रहा है जो ये देखने आए हैं। और यहाँ पर फ्रॉगिटू मन में कह रहा होता है, इसका स्पिरिचुअल प्रेशर ट्रू इमॉर्टल फेस कल्टीवेटर से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट अपना स्पिरिचुअल प्रेशर और इंक्रीज करते हैं और जवान हो जाते हैं। चेन्नन शॉन हंसते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम्हें ये लगता है कि ऐसा करके तुम वे ऑफ हेवन की पावर को हरा दोगे? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, ये कैसा रहेगा। और अपनी स्वॉर्ड में खून लगाते हैं और इसे खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, और इनकी पावर जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सून रॉन्ग कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है, पहले से 10 गुना ज़्यादा, इनका तो लिमिट से ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स हो गया है। लेकिन वांगलिंग, मुझे लगता है कि वो हमें देख नहीं सकते। वांगलिंग कहता है, क्योंकि हमने कलेक्टिव इनविजिबिलिटी आर्ट यूज़ करी है। और यहाँ पर चेन चाओ कह रहा होता है, ये सब तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। फ्रॉगी टू कह रहा होता है, उसने सीक्रेट आर्ट यूज़ करी इन्फाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन की। जहाँ तक मुझे पता है, इस आर्ट का यूज़ करने से लाइफ कम हो जाती है। और यहाँ पर चेन्नन शॉन भी अपनी पावर्स दिखाता है। ये सब देख के मास्टर जुओ वांगलिंग से कहते हैं, अब क्या करें? वांगलिंग कहता है, वेट करो और देखो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में, जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या आप लोगों को एनिमे फ्री में देखना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है, और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए, बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और उसके बाद आप एनिमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो, और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनीगेन, और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में, तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनीगेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सुन रहा हूँ क्या रही होती है, पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है। जिंक क्या कहता है, जो इविल स्वॉर्ड लॉर्ड है उनका स्पिरिचुअल इम्पल्स नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करता है। जितना ज़्यादा कमज़ोर कोई कल्टीवेटर होगा, उतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर चैन चाओ रोने लग जाता है और कह रहा होता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, लिन तुम क्यों नहीं बन जाती? लिन कहती है, होश में आओ। और गुआहो भी फ्रॉगी टू से लिपट के रो रहा होता है। और तभी फ्रॉगी टू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये मेरा नया घर है, यहाँ पर मत लड़ो। ये सब कुछ चेन्नन शॉन के स्पिरिचुअल इम्पल्स की वजह से हो रहा होता है। तभी वांगलिंग अपने पावर्स से सबको ठीक कर देता है, और यहाँ पर चेन्नन शॉन शॉर्ट सेंट पे हमला करता है। तभी ये अपने पावर से इसे रोक देते हैं। चेन्नन शॉन कहता है, ब्रदर मुझे लगा था कि तुम स्वॉर्ड के साथ एक हो गई हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो स्वॉर्ड ही नहीं है। शॉर्ट सेंट कहते हैं, स्वॉर्ड मेरे हाथों में नहीं, मेरे दिल में है। इस दुनिया में हर चीज़ स्वॉर्ड बनाई जा सकती है। और फ्रॉगी टू कह रहा होता है, ये तो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड इम्पल्स है, स्वॉर्ड ऑफ अर्थ आर्ट ऑफ वे ऑफ हेवन के क्लोज है पावर में। शॉर्ट सेंट अब कहते हैं, चेन्नन शॉन आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। और ये कह रहा होता है, तो मास्टर ने तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ अर्थ भी सिखाया? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, ये मैंने खुद सीखा। चेन्नन शॉन कहता है, मुंह बंद करो, उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चेन्नन शॉन अपने मास्टर से कहता है, आपने ब्रदर को अपना सक्सेसर क्यों चुना? इसका मास्टर कहता है, ये मेरा डिसीजन था, तुम्हारे रास्ते अलग हैं, यही ठीक है। अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तो वे ऑफ हेवन सीख जाओगे, तुम्हें अपने ब्रदर से और सीखना चाहिए। चेन्नन शॉन कहता है, लेकिन इस साल के कॉन्टेस्ट में मैं जीता था। इसका मास्टर कहता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि जो जीतेगा वो मेरा सक्सेसर बनेगा। और फिर इसे जो है पास्ट का सीन दिखाते हैं, जिसमें ये कहते हैं, जो भी इस गोल्डन ब्रिज को सबसे पहले पार करेगा वो जीत जाएगा। और ये दोनों ही जा रहे होते हैं आगे,
चेन नानश्वान काफ़ी थका हुआ होता है तो स्वॉर्ड सेंट आके इसकी मदद करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये इन्हें साइड करते हुए आगे चले जाता है और गिरते पड़ते जीत जाता है और खुश हो रहा होता है। इनके मास्टर कहते हैं, देखो तुम्हारे ब्रदर का तुम्हारे साथ कम्पीट करने का कोई भी इरादा नहीं है, तुम सिर्फ जीतने पर फोकस करते हो। चेन नानश्वान कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बंद करो मास्टर। और फिर पीछे आके कहता है, मास्टर मैंने सुना कि एबिस ऑफ इनलाइटनमेंट क्लिफ बॉटमलेस है, और इन्हें यहाँ से धक्का दे देता है नीचे। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चेन नानश्वान कह रहा होता है, आज मास्टर के धर्मा लक्सेना के सामने मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ अर्थ ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेरी स्वॉर्ड ऑफ हेवन। और फिर यह हमला कर देता है और यहाँ पर तूफान खड़ा हो जाता है। स्वॉर्ड सेंट इसे रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाते हैं, और इसके बाद कहते हैं, अगर आज मैं मर भी गया मैं इसे दुनिया में मुसीबत खड़ी करने नहीं दूंगा दोबारा। और चेन नानश्वान इन पर हमला कर देता है। जिंग के वांगलिंग से कहता है, स्वॉर्ड सेंट ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। और तभी वांगलिंग अपनी पावर्स का यूज़ करके चेन नानश्वान का हमला रोक देता है। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, ये तो, और चेन नानश्वान कह रहा होता है, इसके पास मुझे रोकने की ताकत नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसके पास पावरफुल मैजिक वेयर्स भी हैं। और फिर कहता है, मेरी नेक्स्ट आर्ट है स्प्लिटिंग द हेवन डोर। और यहाँ पे ये सब देख के फ्रॉगी टू और लिन हैरान होते हैं और चेन चाओ और गुआओ कह रहे होते हैं, ये स्पेशल इफेक्ट्स तो कमाल के हैं। और तभी वांगलिंग यहाँ से आगे जाने लगता है और चेन चाओ और गुआओ ये देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं और ये स्वॉर्ड सेंट के बगल में आ जाता है। ये कहते हैं, तो वो तुम थे? और चेन नानश्वान कहता है, तुम चाहे जिसे भी बुला लो तुम मेरे हमले से नहीं बच सकते। और फिर अपना लास्ट अटैक करता है और इतना खतरनाक अटैक देख के स्वॉर्ड सेंट भी हैरान होते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें यह सेम आर्ट आती भी होगी तब भी शायद इसे रोक ना पाओ। वांगलिंग तभी कहता है, हाँ आर्ट ऑफ ग्रैंड प्योरिफिकेशन। और तभी चेन नानश्वान का हमला रुक जाता है। ये देख के स्वॉर्ड सेंट और चेन नानश्वान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। चेन नानश्वान कहता है, इस मॉन्स्टर को मार दो, और अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वांगलिंग अपनी दो उंगली आगे करता है और इसकी स्वॉर्ड ही रुक जाती है और फिर टूट जाती है। और यहाँ पर एक धमाका होता है और चेन नानश्वान हार जाता है। वांगलिंग कहता है, कमज़ोर या ताकतवर, हार या जीत, क्या ये सब जरूरी है? चेन नानश्वान कहता है, तुम्हें बस मेरे से एक ज़्यादा वे ऑफ हेवन आता है, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? तभी वांगलिंग के हाथ में से रोशनी निकलती है। ये देख के स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, सील ऑफ वे। गुआहो और चेन चाओ कहते हैं, ये क्या है? और फ्रॉगी टू के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है, मुझे जहाँ तक याद है ये 3000 वे ऑफ हेवन लर्न करने के बाद मिलता है। और चेन नानश्वान कहता है, इम्पॉसिबल। और तभी वे ऑफ हेवन एल्फ जो है यहाँ पर आ जाते हैं और वांगलिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं। और वांगलिंग कहता है, एग्जॉर्सिज्म। और आसमान में से एक अटैक आता है और चेन नानश्वान क्या के लगता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। वांगलिंग अब बोलता है, जो ये इसे अरेस्ट कर लो। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी है इस दुनिया में, क्या तुम इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन को लीड करना चाहोगे? वांगलिंग कहता है, मैं कुछ खास नहीं। तभी स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं अपने बचे हुए स्पिरिचुअल फोर्सेस इस रैल्म को ठीक कर दूंगा और फिर यहीं मर जाऊंगा। मैंने अपने मास्टर को निराश करा, शायद उन्हें नानश्वान को ही चुनना चाहिए था। वांगलिंग तभी कहता है, 500 साल जिंदगी के क्या इतना काफ़ी है? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, क्या मतलब? और तभी वांगलिंग कुछ करता है और इनके लाइफ का जो टाइम है वो 500 साल बढ़ा देता है और ये फिर से जवान हो जाते हैं। वांगलिंग कहता है, अब आपके पास काफ़ी टाइम है सक्सेसर ढूंढने का, मुझे अपने फैक्शन को प्रोटेक्ट करना है उनके साथ। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, समझ गया, वैसे आपने कौन सी स्वॉर्ड्समैनशिप इस्तेमाल करी? वांगलिंग बोलता है, अगली बार मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और यहाँ पीछे से गुआहो और चेंचा वगैरह ही होते हैं, वांगलिंग तुमने तो कमाल कर दिया, अगर हमें पता नहीं होता कि तुम्हारा स्पिरिचुअल फोर्स 5 है तो हमें तो सब असली ही लगता। और फिर स्वॉर्ड सेंट के पास आके कहते हैं, आप जरूर एक्टर होंगे ना जिन्होंने स्वॉर्ड इमॉर्टल फैनरोई का रोल करा? गुआहो कहता है, क्या आप हमें अपना ऑटोग्राफ देंगे? और फिर ये इन दोनों को अपने ऑटोग्राफ देते हैं। सुन रॉन्ग वांगलिंग से कहती है, मैं और शायो यहाँ पर क्रिस्पी नूडल्स बनाने का सोच रहे थे। और लिन फ्रॉगी टू से कह रही होती है, वांगलिंग यहाँ पर सब ठीक कर देगा। अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टेन ग्रुप का सैनिटेरियम दिखाया जाता है। और यहाँ पर वांगलिंग के डैड कह रहे होते हैं,
ये उल्टियाँ कर रही है और डॉक्टर कहता है ये प्रेग्नेंट है। वांगलिंग के डैड कहते हैं क्या मेरा एक और बच्चा होने वाला है। डॉक्टर कहते हैं कंग्रेचुलेशंस। और वांगलिंग के डैड मन में कहते हैं लगता है ये मॉर्टल वर्ल्ड अब और ख़तरे में आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस ये था इस सीज़न का यानी कि सीज़न 4 का लास्ट एपिसोड। अब अगला सीज़न कब आता है कब नहीं उसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। जब भी अनाउंसमेंट होगी या फिर जब भी सीज़न आएगा इसका नेक्स्ट तब उसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं। तब तक के लिए अगर ये सीज़न और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये सीज़न और ये एपिसोड। बाकी नेक्स्ट सीज़न के लिए तुम एक्साइटेड हो या नहीं वो भी बताना। और चैनल पर पहली बार टप किए हो और मेरे को पहली बार सुन रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।